किसी काम के लिए, काम होता ही नहीं है। मीन्स पेहवा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स तंत्र लोगों पे हैवी है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। लोगों ने उस तंत्र को बनाया है। आप अपना कोई काम करा के देख लीजिए, लाइक हम एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सड़क टूटी हो ना, इंडिया से लोग आते हैं। इवन जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था ना, तो हमें खुशी होती थी, लोग हमें पेहवा वाले बोलते हैं, यार पेहवा तो सरस्वती जी का पवित्र स्थान है। तो आज हमारे कोई फ्रेंड आते हैं ना, हमसे पूछें यार यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पे है, आप टॉयलेट है लाइक ये गौशाला रोड पे हम जाएंगे थोड़ा सा सरस्वती चौक के पास, जो लेडी टॉयलेट है उसमें तो 101% ताला लगा मिलता है। और जो इसके अंदर से कोई महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो इसमें राजनीति में आगे नहीं आ रही। और अभी तक जितने भी कैंडिडेटों से हमारी बात हुई है तो वो सभी पुरुष ही हैं, तो कोई महिला अभी तक कोई खुलकर के सामने नहीं आई। हेलो दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देश की सेवा करने के लिए जब कोई युवा एक राजनीतिक रास्ते को चुनता है तो हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेकर के। और अब जब चुनाव आने जा रहे हैं ये नगर पालिका नगर निगम के हरियाणा के अंदर, तो इस प्रकार से ज़्यादा जो युवा हैं, युवा साथी हैं, वो इसके अंदर भागीदारी अपनी दें तो बहुत अच्छी बात होगी। और लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ जाती है कि ये जो युवा होते हैं देश की सेवा के लिए एक बार राजनीति के रास्ते को चुनते हैं, लेकिन बाद में जा कर के अपना जो रास्ता होता है, अपना मिशन होता है, उससे भटक जाते हैं, और कहाँ पर इनको दिक्कत आ जाती है, तो उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही युवा साथी हैं अरुण गर्ग जी, जो इंजीनियर भी हैं, तो पहेवा से वो हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो कि नगर पालिका पहेवा के चेयरमैन पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इनका मिशन है और किस प्रकार से ये जो चेयरमैन बनकर के शहर की सेवा करना चाहते हैं, क्या इनको चीज़ें पुरानी पसंद नहीं आ रही, तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अरुण जी स्वागत है जी आपका। जी नमस्कार। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहेवा की पूरी जनता का अभिवादन करता हूं, और जो भी मेरे युवा साथी हैं उनको मैं तहे दिल से नमस्कार। तो सबसे पहले तो जी आप ये बताओ, आप क्या काम करते हो, और आपसे पहले आपने क्या काम किया, और राजनीति में क्यों आना चाहते हो, थोड़ा दो चार शब्दों में ये बात बता दीजिए एक बार। सर मैं इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ। 2005 में मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। उसके बाद मैं फर्दर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वहाँ भी मैंने एज ए प्रोफेशनल अकाउंटिंग 3 साल की स्टडी की, और उसके बाद मैंने HP का नाम सुना ही होगा, HP कंप्यूटर्स का, उसमें एज ए चीफ अकाउंटेंट मैंने जॉब की है। 2011 में मैं इंडिया आया था, और उसके बाद हमारा अपना अर्थ का काम है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो काम कर रहा हूँ। तो अभी कुछ एक परिस्थितियाँ आई थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, हमारे युवा साथी थे हमारे साथ, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमारी एक टीम है, उन्होंने डिस्कस करा कि हमें खुद आगे आना चाहिए। जब तक युवा लोग आगे नहीं आएंगे, हमारी पहेवा का भला नहीं हो सकता। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं पहेवा के अंदर, हम लोग सोचते हैं छोड़ो क्या होगा, नए चेयरमैन बनेंगे या मंत्री जी हैं वो कर लेंगे। जब तक युवा आगे नहीं आएगा ना, मेरी खुद की पर्सनल ये थिंकिंग थी सर कि हमें क्या, हम जाके कंप्लेन कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें आगे आना पड़ेगा। वोट ना देने से या नाटो को सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, युवा साथियों को आगे आना पड़ेगा, उन्हें देश की और अपने शहर की तरक्की में आगे आना पड़ेगा, तभी देश की और प्रदेश की तरक्की होगी सर। तो ठीक है जी, युवा को आगे आना पड़ेगा तो अरुण जी का कहना है, लेकिन युवा आगे आ तो जाते हैं, और चलो मेरी तो एक और भी सोच है कि जो पहेवा हल्का है इसके अंदर से कोई महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो इसमें राजनीति में आगे नहीं आ रही। और अभी तक जितने भी कैंडिडेटों से हमारी बात हुई है तो वो सभी पुरुष ही हैं, तो कोई महिला अभी तक कोई खुलकर के सामने नहीं आई। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है तो हम भी उनको अपना पूरा सहयोग देंगे। और अभी अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा आपसे कि क्या आपको पता है कि ये तो सभी कहते हैं कि हम युवा साथी अब आ गए हैं, कूद गए हैं, इसमें हम सेवा करेंगे, लेकिन बाद में वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लोभ लालच माया डर या क्या कुछ उनकी मजबूरियां हो जाती हैं कहीं की, या किस प्रकार से वो अपना रास्ता दूसरा चुन लेते हैं बाद में जाके आगे जाके। ऐसा है, अगर आप एक सच्चाई और सच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती। अगर आप एक अच्छे कार्य के लिए आगे जा रहे हो
तो भगवान भी आपका साथ देता है। आपने अच्छा क्वेश्चन पुट किया कि लाइक अगर मैं आगे बढ़ता हूँ आगे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सर ऐसे होता है कि जब हम किसी अच्छे पद पे जाते हैं, सपोज कीजिए कल मैं एज ए चेयरमैन यहाँ पे पद संभालता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरा सहयोग नहीं मिलता, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फेथ नहीं कर सकते कि हमारा सपोर्ट देंगे। बेवा के अंदर काफ़ी विकास कार्य हैं जो हम अपने बिहा पे भी कर सकते हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, लाइक अभी कोरोना में सभी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, पेहवा के अंदर कहाँ आपने ग्रीनरी सी देख ली, कहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पेड़ पौधे प्रोवाइड करा रहे हैं, कमेटी विदाउट एनी कॉस्ट एनी इन्वेस्टमेंट पूरे शहर में पेड़ लगा सकती है। सिंपल सा काम है, शहर का विकास भी होगा और शहर अच्छा भी होगा, पर्यावरण वाला भी होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन एक और है, हम पूरा शहर पानी का बिल भरता है, कभी किसी ने गौर नहीं किया होगा 25% जो उसमें पानी के बिल में है वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए है। कभी ड्रेनेज सिस्टम पे मार्केट कमेटी ने पैसा लगाया? मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूँ कि पैसा दो मुझे फंड, जो पानी का बिल का पैसा कलेक्ट हो रहा है हम उसमें से 25% बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बिना किसी पावर के हम ड्रेनेज सिस्टम पे यूज कर सकते हैं ताकि पानी की समस्या हो ही ना। जहाँ पे पानी खड़ा हो आप उस पैसे को वहाँ पे लगाइए जिसका पैसा जहाँ से आपने कलेक्ट किया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या लग रहा है आपको नगर पालिका से पेहवा वासी हैं जो वो इस समय जो वो जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं तो उससे वो खुश हैं या नहीं हैं या क्या कुछ लग रहा है आपको? मतलब सर जो मेरी समझ में है जो आम पब्लिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट करती है। मींस मेरे कहने का मीनिंग यह है कि हमारे इंडिया में लोकतंत्र है, ठीक है, लोगों का लोग मालिक हैं, लोगों की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन है, पावर है। लेकिन जैसे मैंने पेहवा के अंदर दिखा यहाँ पे तंत्र मींस एडमिनिस्ट्रेशन ही हैवी है लोगों के ऊपर। आप मार्केट कमेटी में चले जाइए, वहां पे सिग्नेचर करना कोई काम करना है बड़े बाबू नहीं है। अमूमन 95% लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मार्केट कमेटी जाएंगे अपने किसी काम के लिए, काम होता ही नहीं है। मींस पेहवा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मींस तंत्र लोगों पे हैवी है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। लोगों ने उस तंत्र को बनाया है, लोगों का काम इजीली होना चाहिए। और मेरी एक मुहिम है, मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब एक आदमी ये बोल देगा यार मार्केट कमेटी का काम है बहुत इजी है यार आराम से करा लेंगे। मेरी मुहिम का ये है और इलेक्शन लड़ने का मेरा मकसद ये है कि जब तक आम आदमी ये ना बोल देना यार मार्केट कमेटी का काम बहुत इजी है यार कौन नहीं करेगा अपना काम, ये मैं कॉन्फिडेंस जाता हूँ। आप नहीं बोल रहे क्या? आप इजी नहीं क्या सर? आप मनजीत सिंह जी आप अपना कोई काम करा के देख लीजिए। लाइक हम एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सड़क टूटी हो ना, आप मार्केट कमेटी में एप्लीकेशन देके देख लो, अगर वो ठीक हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो सरस्वती तीर्थ है वर्ल्ड हेरिटेज है, आप सबको पता होगा, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। इवन जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था ना तो हमें खुशी होती थी लोग हमें पेहवा वाले बोलते हैं, यार पेहवा तो सरस्वती जी का पवित्र स्थान है। तो आज हमारे कोई फ्रेंड आते हैं ना हमसे पूछें यार यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पे है, आप मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी कोई सरस्वती भी कोई आए कोई देखा है टॉयलेट जहाँ पे लोग इजिली जा सकें? एक छोटा सा टॉयलेट है लाइक ये गौशाला रोड पे हम जाएंगे थोड़ा सा सरस्वती चौक के पास, जो लेडी टॉयलेट है उसमें तो 101% ताला लगा मिलता है, और जो जेंट्स टॉयलेट है ना सर वहाँ पे इतना गंदगी है, पानी की टंकी तो टूटी हुई है। वहाँ मैंने एक बार गया था, वहाँ के जो केयर टेकर है अब वो टंकी बदलवा दी है ना, मैंने उनसे सर बात की थी तो उन्होंने बोला कि मैंने कई बार लिखित में भी बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन को या उसमें है, तो वो बोलता कि मार्केट कमेटी वाले बोल रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये तो सरस्वती बोर्ड का काम है। चलो हेल्पफुल तो पूरी पब्लिक के लिए है, बाहर का कोई आए, जैसे हमने जब छोटे एक बात पढ़ी थी कि जापान में एक फल खराब होने वाला बोलता था कि भाई फल मैं ला के दे दूंगा, भाई ये मत बोलना कि जापान में फल नहीं मिलते। अगर कोई बाहर से आएगा, ठीक है, उसको टॉयलेट के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा तो वो तो बेइज्जती तो हमारे पेहवा की होगी, वो चीज़ क्यों कर रही हो? क्या 1,000-2,000 की टंकी मार्केट कमेटी नहीं दे सकती? इतने फंड लेती है, इतने टैक्स हैं, NOC के टैक्स हैं, कि उस फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते प्रॉपर वे में? या कोई मंत्री या बड़ा आदमी आएगा उनको दिखाने के लिए तो फंड आ जाते हैं।
ये थे अरुण जी, और इसके साथ साथ जितने भी एमसी का चुनाव लड़ रहे हैं या कोई चेयरमैन है जो भी हमसे इस प्रकार जो भी आपके मन के अंदर चीज है आप जनता को सामने रखना चाहते हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे नीचे नंबर जो आपको दिख ही रहा है। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।